2000 साल के इतिहास को याद कीजिएगा, कितने मंदिरों को ध्वंस कर दिया गया, कितने भगवान की मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों भारतीयों को तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने, उस दिन से मुझे लगता है कि सचमुच अब भारत देश आजाद हुआ है। हम गर्व के साथ सीना तान करके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। जो त्यागी पुरुष है वो व्यक्ति जो भी निर्णय करेगा वो देश के हित में निर्णय करेगा। और सच कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी हमारे कोई रिलेटिव नहीं रखते हैं। जैन साधुओं को दुनिया में किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। जो पदयात्रा करते पैसा नहीं रखते, प्रॉपर्टी नहीं रखते, अरे अपने शरीर पर भी महत्व नहीं रखते, जो मौत से भी नहीं डरते हैं वो दुनिया में कौन सी चीज से डरेंगे। और इसलिए मैं आज आप लोगों को ये खुले मंच से आह्वान करना चाहता हूँ। पिछले कितने मंदिर तो अन्य धर्म स्थानों में तब्दील हो गए, भविष्य के अंदर ये धर्म स्थानों की पवित्रताओं को बरकरार रखना है, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, तो एकमात्र विकल्प है पुण्यशाली नरेंद्र मोदी जी।